बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा ए बी, यहाँ जाएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। फिर क्या करेंगे, थ्री को इनके साथ और वन को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा थ्री ब्रैकेट में बी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ थ्री को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बी प्लस थ्री ए इज इक्वल टू ए बी। फिर क्या करेंगे, इनको और इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा ए बी माइनस थ्री बी माइनस थ्री ए। और क्या करेंगे, यहाँ इनके साथ प्लस नाइन और माइनस नाइन लिख देंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों से बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस थ्री, और इन से माइनस थ्री को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा ए माइनस थ्री, और माइनस नाइन को इस साइड पर लाएंगे इज इक्वल टू नाइन। फिर क्या करेंगे, ए माइनस थ्री ये वाला और ये वाला सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ बी माइनस थ्री को लिख देंगे इज इक्वल टू। फिर नाइन के क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे यहाँ, तो एक बनता है नाइन मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लाई नाइन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो ये इनके फैक्टर बनते हैं नाइन के। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नाइन के बराबर लिख देंगे और इनको वन के, यहाँ जाएगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन, बी माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। तो यहाँ क्या करेंगे, ए को लिख देंगे माइनस थ्री को इस साइड पर लाएंगे और नाइन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा ट्वेल्व। इसी तरह इधर भी बी लिख देंगे, माइनस थ्री को इस साइड पर लाएंगे, वन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ फोर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको वन के बराबर लिख देंगे और इनको नाइन के, तो यहाँ जाएगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, बी माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन। तो यहाँ क्या करेंगे, ए लिख देंगे, माइनस थ्री के साइड पर लाएंगे, वन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ फोर आ जाएगा। इसी तरह इधर भी माइनस थ्री के साइड पर लाएंगे और नाइन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको थ्री के बराबर ले लेंगे और इनको भी थ्री के बराबर, तो यहाँ जाएगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, बी माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ क्या करेंगे, ए लिख देंगे, माइनस थ्री को इस साइड पर लाएंगे, थ्री के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। इसी तरह इधर बी, बी लिख देंगे, माइनस थ्री को इस साइड पर लाएंगे, थ्री के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिक्स। यहाँ हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर ए हमारे पास क्या है ट्वेल्व है तो बी हमारे पास फोर के बराबर होगा। इसी तरह अगर ए फोर के बराबर होगा तो बी ट्वेल्व के, इसी तरह अगर ए सिक्स के बराबर होगा तो बी भी सिक्स के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।